सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ़ोन को डिसेंबल कैसे करते हैं, फ़ोन को कैसे खोलते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बोर्ड तोड़ देते हैं, कई बारी बॉडी बेंड कर देते हैं उनकी फ़ोन की, कस्टमर का फ़ोन ख़राब हो जाता है। क्योंकि कई सारे फ़ोन होते हैं जो अलग अलग तरह से खुलते हैं, इवन ये जियो का फ़ोन भी आपको दो तीन तरीके से खुलते हुए दिखेगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए सीखते हैं कैसे खोलते हैं एंड्रॉयड और कीपैड फ़ोन। तो पहले कीपैड फ़ोन से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास ऐसी कोई एक चिमटी हो, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, आप नेल से भी खोल सकते हैं, वो थोड़ा और सेफ्टी हो जाती है। अगर आप इससे खोलें तो ये देखिए, आपने आगे की तरफ इसको पुश करना है ताकि ये आगे की तरफ खुले, पीछे की तरफ से नहीं खोलें आप इसको, जो ऐसे वाला फ़ोन हो। क्योंकि जियो में एक और फ़ोन आता है जो पीछे की साइड से खुलता है, ये वाला आप आगे की साइड से खोलें। ये देखिए, हम इसको खोल लेते हैं साइड साइड से। आप हल्का हल्का अगर आप करोगे ना, इसको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि इसमें माइक वगैरह भी होता है, कई बार वो भी टूट जाते हैं या बॉडी टूट जाती है, फिर हमको नई लगानी पड़ती है। और कई सारे ऐसे फ़ोनों में इनके एंटीना जो होते हैं वो लगे होते हैं। तो चलिए अब बोर्ड निकाल लेते हैं इसका। ये देखिए, बोर्ड निकालने के लिए आपको नीचे से आपको पुश करना है, यहाँ से ये देखिए, इसके अंदर ये डाल के हल्का हल्का आपने पुश करना है, इसको ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है जिससे कि ये टूट जाए। क्योंकि मेरे को पता है, मेरा हाथ बैठा हुआ है तो मुझे पता है कहाँ से मुझे पुश करना है। तो ये देखिए, ये इसकी शील्ड है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि शील्ड कैसे उतारे, आपको शॉर्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये देखिए, इसकी शील्ड आपको वहाँ से उतारने को समझ में आ जाएगी। अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये जो ये सेक्शन होता है आपका स्पीकर वाला, ये खोल के मैं दिखा दूँ। ये आप खोलते ही आप उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। साइड से पहले हम लोग इसको खोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्पीकर के भी प्रिंट मिल जाएंगे और आपको कैमरे के भी मिल जाएंगे। तो देखिए, ये देखो, अगर मैं हिलाऊँ तो ये उतरेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए, यहाँ कैमरा लगा है और कैमरे का पत्ता नीचे है। अगर मैं इसको खींच दूँ तो ये यहीं टूट जाएगा। तो ये तो कस्टमर का फ़ोन है तो इसे नहीं खोलते हैं, दूसरा एक और फ़ोन ले लेते हैं। क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ माइक के लिए मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो ये देखिए, इसको आपने प्रेशर से नहीं खोलना है कि इसके नीचे के प्रिंट टूट जाए। जैसे कि मैं आपको एक और फ़ोन दिखा दूँ, ये वाला, ये जो है फ़ोन, ये देखिए, ये वो आगे से खुल रहा था, ये आपने पीछे से खोलना है। ये देखिए, इसके अंदर भी आपने ये चिमटी डालनी है, ये चिमटी आप डालेंगे, चिमटी डालेंगे ना तो ये इजीली खुल जाएगा, इस पर प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन, यही वाला रिंगर वाला, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको खोल दूँ एकदम से तो इसके अंदर जो इसके प्रिंट होंगे वो टूट जाएंगे। इसके अंदर जो प्रिंट है वो है आपके वाइब्रेटर के, आपको शायद दिख रहा हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, शील्ड वाला सेक्शन है, शील्ड खोलने के बाद फ़ोन ऐसा लगता है। अब ये देखिए, मैं डिस्प्ले हटा के दिखाऊँ आपको, या ये देखिए, मैं पहले आपको डिस्प्ले हटा के दिखाऊँ, हल्का सा नीचे प्रेशर देना है और ये डिस्प्ले भी आपकी उठ जाएगी। यहाँ पर पत्ता होता है, आप ध्यान से खोलें इसको। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए, इसको पलटते हैं पहले, तो इसको आराम से खोलना है आपने, डिस्प्ले नहीं तोड़नी। ये देखिए, अब मैं इसके सेक्शन के, यहाँ पर आपने हुक होंगे, उस हुक को आपने प्रेशर करना है और ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये खुल गया। अब मैं इसको एकदम ही खोल दूँ, अगर उठा दूँ तो इसके क्या टूट जाएंगे, प्रिंट टूट जाएंगे। इसके अंदर क्या लगा है, वाइब्रेटर। ये देखिए, आपको प्रिंट दिख रहे हैं ना, इसके अंदर लगा है वाइब्रेटर, तो वाइब्रेटर इसकी वजह से टूट जाएगा। तो आई होप आपको ये वाले फ़ोन खोलने आ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए आप शुरू करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को खोलना, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन में हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादा। तो ये देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन है, ये हमारे पास किसी कस्टमर का फ़ोन आया हुआ था, बेकार है, डेड फ़ोन है, तो हमने सोचा इसी पर वीडियो बना दी जाए। तो ये देखिए, सेम वही प्रोसेस रहेगा, आप चिमटी से खोलिए या नेल से, नखून से भी आप खोल सकते हैं, चिमटी से भी आप खोल सकते हैं, पर ध्यान रखें, क्योंकि ये तो पुराना फ़ोन है। नए फ़ोनों में जैसे कि फिंगरप्रिंट का पत्ता मिल जाएगा आपको, और बैटरी की चीज़ें मिल सकती हैं आपको, फिंगरप्रिंट मिल सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें, ऑन ऑफ बटन के पत्ते हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, उसको ना कट कर दीजिएगा। तो इसको आराम से खोलना था, पहले से हम खोल लेते हैं। ये देखिए, पहले हम इसकी बैटरी हटाएंगे, ये देखिए, और सबसे पहले हमने देखना है इसके जो स्क्रू हैं वो हमने सबसे पहले खोलने हैं, क्योंकि अगर हम उनको बिना किसी देखे हम खोल देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है प्लास्टिक की होती है, मेटल की भी होती है, वो टूट जाती है। तो पहले आपने सारे स्क्रू खोल ले लेने, ये देखिए यहाँ पर लगा है, सारे स्क्रू खोल लेते हैं।
तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ से आपने चिमटी इसको भी लगा के खोल लेना है। पहले हम ये देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले का पत्ता होता है, सबसे पहले हम वो रिमूव करेंगे। बिना डिस्प्ले का पत्ता हटाए हम बोर्ड को बाहर नहीं निकालेंगे, इससे डिस्प्ले का पत्ता कट सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले का पत्ता हटा लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये वायर आपको लगी हुई मिलेगी, ये हटानी है आपने। और यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप बोर्ड क्लीन करें चाहे आप बोर्ड पे काम करें, सबसे पहले आपने उसमें से कैमरे रिमूव करने हैं, क्योंकि अगर आप कैमरे लगा के आप काम कर लेंगे तो उससे कैमरे ख़राब हो जाते हैं। कई सारे कस्टमर लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनके कैमरे वर्क नहीं कर रहे हैं या ब्लर हो गए हैं। तो ये देखिए पहले बोर्ड निकाल लेते हैं अब हम। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, शील्ड की वीडियो मैंने आपको बता दिया, कमेंट में आपको उसका शॉट मिल जाएगा कि शील्ड कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको शील्ड मिलेगी, ये तो फ़ोन डेड है तो इसमें से सब रिमूव किया हुआ है मोस्टली। तो यहाँ पर ये देखिए और दिखा दूँ मैं, ये जो पत्ते होते हैं आपको, ये जो डिस्प्ले का हो चाहे कोई से भी कनेक्टर हो, सबसे पहले आपको ये रिमूव करने हैं। बोर्ड पर आपको मेन बोर्ड पर ऑन ऑफ बटन के पत्ते भी मिल जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले का भी मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सब बोर्ड पर। सबसे पहले ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेन बोर्ड टू सब बोर्ड पत्ता भी मिल सकता है आपको, डिस्प्ले का पत्ता भी मिल सकता है, जैसे कि सैमसंग वगैरह के। ये वायर हटा लेते हैं, वायर आपको मिलेगी, जैक वगैरह मिलता है इसके नीचे, इसमें अभी है नहीं क्योंकि ये पत्ता मैंने आपको बताया आपको कि इसमें से रिमूव कर चुके हैं हम। माइक लगा होता है इसमें, आपने वो रिमूव करना है, रिमूव मतलब उसको हटाना है, थोड़ा साइड करना है, उसमें से निकाल नहीं देना, तब जाके आपने इस पत्ते को निकालना है। ये देखिए ये थोड़ा चिपका पड़ा है, तो इसके नीचे हम ट्वीज़र डालेंगे हल्का हल्का, और फिर हम इस पत्ते को उठाएंगे और इसको हमने बेंड नहीं करना है कि हम इसको बेंड ही कर दें, क्योंकि ये तो पुराना फ़ोन है, अब तो क्वालिटी काफ़ी सही आ रही है फ़ोनों में, अब जैसे बोर्ड नहीं है ये मतलब जो पहले बोर्ड हुआ करते थे वो ख़राब हुआ करते थे। ये देखिए बहुत पतला बोर्ड है, जैसे कि ये वापस लगा देते हैं इसे अब हम। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले आपने मेन बोर्ड में से जो आपको रिमूव करना है वो है डिस्प्ले का पत्ता आपने रिमूव करना है, बैटरी कनेक्टर रिमूव करना है, उसके बाद आपने कैमरा हटानी है उसमें से, ताकि आपका बोर्ड निकालते टाइम आपके ना कैमरे टूटे, ना आपका डिस्प्ले का पत्ता कटे, ना ही आपका बैटरी कनेक्टर टूटे, क्योंकि बैटरी कई बार लोग बोर्ड उठा लेते हैं और बैटरी कनेक्टर टूट जाता है। और ऑन ऑफ पत्ता जो होता है वो भी आपको इसी में दिखेगा, ऑन ऑफ पत्ता भी वहीं लगा होता है। इसको पैक कर देते हैं अब, क्योंकि ये फ़ोन वैसे बेकार ही है लेकिन कॉम्पोनेंट निकालने के लिए मैंने रखा हुआ है ये फ़ोन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सबसे पहले आपने क्या क्या रिमूव करना है। और जब भी आप खोलें तो आप ट्राई करें कि आप अपने नखूनों से ही खोलें, और अगर वैसे नहीं, अगर आप नेल्स नहीं हैं आपके, तो जो भी चिमटी लें वो उसको हार्ड आप प्रेस ना करें, आराम से लगाएं। सबसे पहले आपने सारे स्क्रू निकाल लें, तभी आप बोर्ड उठाएं या आप उसका जो है बैक ग्लास जो है वो तभी खोलें, क्योंकि बैक ग्लास निकालते टाइम कई बार बैक ग्लास टूट जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें आप, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको मेरी पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, लिंक भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज चाहिए तो वो भी मैंने सारी वीडियोज़ डाल दी हैं, कोई बड़ी वीडियोज़ नहीं है उनमें, छोटी वीडियोज़ यही हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की क्लासेस जो हैं वो छोटी रहती हैं, उनमें ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, चाहे वो FRP हो या फ्लैश हो, तो वो सब आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आप चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।